क्या झारखंड के स्कूलों में जबरन बदल दिया गया था सुबह की प्रार्थना का नियम? क्या झारखंड के स्कूलों का जबरन कर दिया गया था उर्दू नामकरण? क्या ज्यादा मुस्लिम आबादी का दावा करके स्कूलों में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं? पिछले 10 दिनों में झारखंड के 2 जिलों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां बच्चों से सरकारी नियम कानून के खिलाफ प्रार्थना करने का दबाव बनाया गया। झारखंड के इन 2 जिलों से खबर आई कि यहां सरकारी नियमों के खिलाफ बच्चों की प्रार्थना का तरीका बदल दिया गया, तो कहीं रविवार की जगह शुक्रवार को ही छुट्टी दी जाने लगी। गढ़वा के कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल का दावा है कि बच्चे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करते हैं। करीब ज्यादा बच्चे मैंडेटरी के हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत से प्रयास किए सभी शिक्षक मिलकर के कि एक जैसा प्रार्थना होना चाहिए, लेकिन बच्चे लोग जो है फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया। कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? हाथ बांध कर। क्यों? गढ़वा की घटना का खुलासा होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई और पिछले मंगलवार को ही स्कूल में जाकर खुद मुखिया शरीफ अंसारी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कराई। हमारा जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि है और विद्यालय प्रबंधन समिति के जो पदधारक है सभी के साथ मिलकर के बैठक किया गया। यहाँ पे कहीं की समस्या नहीं है, सभी बच्चों के साथ जो है प्रार्थना जैसे पूर्वक सूचित कराया गया और मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के सुनाई है और कहीं की समस्या नहीं रहेगी। विद्यालय पूर्वक जैसे प्रार्थना प्रबंध विद्यालय में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होता है वैसे होगा। लेकिन गढ़वा में जब तक सब ठीक होता तब तक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला प्रशासन से जाँच और कानूनी कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लिख डाली। उधर झारखंड के ही जामताड़ा जिले से यह खबर आई थी कि वहां सरकारी स्कूलों के नाम के आगे उर्दू लिख दिया गया है और उन स्कूलों में अब रविवार की जगह शुक्रवार को ही छुट्टी की जाती है। इस खबर पर जिले के उपायुक्त से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जानकारी न होने की बात कही। सर, एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उर्दू स्कूल में तब्दील करने का मामला आया, उस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा विभाग से पता कीजिए क्या बात है, डिटेल बताई। मौके पर जाने के बाद पता चला कि जिले में कर्माटांड और नारायणपुर प्रखंड में कुछ प्राथमिक विद्यालयों को उर्दू विद्यालय लिख दिया गया है और वहाँ स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी की जाती है। अच्छा ये बताओ, ये स्कूल तुम्हारा छुट्टी कौन दिन रहता है और खुला कौन दिन रहता है? छुट्टी रहता है संडे को, फ्राइडे को छुट्टी क्यों रहता है बेटा? यही मस्जिद सामने में होता है, नमाज पढ़ते हैं सब बच्चा लोग। देखिए ये उर्दू विद्यालय है और आज से नहीं, लगभग भारत जिस दिन से स्कूल का बुनियाद हुआ है उस दिन से है। जामताड़ा के जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में 1084 प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 15 विद्यालय उर्दू विद्यालय के नाम से दर्ज है, लेकिन आरोप है कि ग्राम शिक्षा समिति और स्थानीय लोगों के दबाव के कारण दर्जनों विद्यालयों में जबरन उर्दू विद्यालय लिखा गया है। जामताड़ा की खबर को लेकर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जिला पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उनसे 7 दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी। हमने मीटिंग जानकारी के लिए बुलाया था, लेकिन फाइनल रिपोर्ट के लिए 1 सप्ताह टाइम दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर जो रिपोर्ट है रिपोर्ट दे दूं, जो यदि रिपोर्ट से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो अगला फिर उस पर चर्चा करेंगे। झारखंड सरकार का कहना है कि गढ़वा और जामताड़ा की तरह कई और जिलों से भी इस तरह की अपुष्ट खबरें आई हैं जिनकी जांच कराई गई। देखिए, झारखंड सरकार तुष्टिकरण के रोज नए रिकॉर्ड बना रही है और ये कितनी शर्म की बात है कि इन कुछ स्कूलों में स्कूलों के नाम के आगे जबरन उर्दू स्कूल लिखवा दिया गया। तो यानी कि ये सरकार कुछ और कहती है लेकिन जहां मुस्लिम बोल इलाके हैं वहां कुछ और कानून चलता है। कि ये बेबुनियाद सवाल है, विद्यालय में जात पात धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन गढ़वा और जामताड़ा की मिसाल देकर बीजेपी अब झारखंड सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है
की आबादी अधिक होने का हवाला देकर संवैधानिक कानून की जगह शरिया कानून को थोपने की कोशिश की जा रही है। जामताड़ा से देवाशीष भारती और गढ़वा से चंदन कश्यप के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।